हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है शंभू कटे के इस चैनल पर। तो मैं आप सभी को प्लस बनाना सिखाऊंगा, तो सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप सभी को सब कुछ समझ आ रही है। पूरा वीडियो आपको सब कुछ सिखाने वाला है, बस आपको अपना क्यू मेरे वीडियो से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो देखिए हमें अब प्लस आइकॉन बनाना है। तो प्लस आइकॉन ये पहला है, ये पहला पार्ट है। तो दूसरा पार्ट में किसी और वीडियो में बता दूंगा, सिर्फ आप इस वीडियो को मैं आप सभी को सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, तो हमें क्रॉस पैटर्न बनाना है। क्रॉस कैसे बनाना है, तो देखिए हमारे पास एक क्यूब है। देखिए तो इस क्यूब को मैं सबसे पहले देखिए मैं ये पूरा क्यूब स्क्रैम्बल्ड है, तो मैं आँखें जाकर भी आप सभी को बता दूंगा। देखिए ये पूरा स्क्रैम्बल्ड क्यूब मतलब पूरा बिगाड़ दिया है इस क्यूब को मैंने। तो देखिए इस वीडियो को अब देखिए, अब हमें सबसे पहले देखिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, बस आप देखिए। तो हमें सबसे पहले एक कलर चूज करना है, तो आप इसका भी प्लस बना सकते हैं किसी भी कलर का। तो मैं सबसे पहले वाइट कलर का रंग ले लूँगा, उसका प्लस बना दूंगा। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए मैंने आप सब कुछ इस वीडियो में, तो देखिए तो आप सभी को प्लस बनाने के लिए आप सभी को एक कलर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को कलर ढूंढना पड़ेगा। देखिए अब हमें नीला कलर चाहिए। नीला कलर आप यहाँ तो है ही नहीं, तो नीला कलर ही देखिए यहाँ पर है। तो इस नीले कलर को ऊपर लेना है। देखिए यहाँ पर था, इस नीले कलर को ऊपर ले गया। तो इस नीले कलर का मैं ऊपर ले गया, तो देखिए यहाँ पर ऐसा आधा एल तैयार हो गया है। तो अब हमें देखिए, तो हमें यहाँ पर एक कलर मिल चुका है। देखिए ये ऊपर है, तो ये इसके नीचे है। बस आपको इस बीच में की लेयर को नीचे लाना है। आप सभी को ये दो बार करना है, फिर आपको ये लेयर ऊपर ले जानी है। देखिए ये पूरा एल तैयार हो गया है। तो हमें अब ये दो खोजने हैं। तो देखिए हमें ये दो कैसे खोजेंगे, हमने पहली बार ट्राई किया था वैसे ही आप सभी को करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो देख सकते हैं ये देखिए हमें कलर मिल गया है। तो इस कलर को हम कैसे ऊपर ले जाएंगे, पहले तो एक वाइट कलर का नीचे था, अब ये कलर ऊपर आ चुका है। तो हमें क्या करना है, ये इस कलर को इधर ले जाना है और ये बीच में की लेयर को नीचे लाना है, और हमें वो लेयर फिर से लाना है और उस लेयर को ऊपर करना है। देखिए हमारा आधा प्लस तैयार हो चुका है। तो हमें लास्ट का ये देखिए ये इसके नीचे ही है। अब हमें वही ट्रिक अपनानी है जो मैंने आप सभी को बताई थी। तो उसको इधर लाना है, बीच में का नीचे लाना है, उसको उधर। तो हमारा प्लस आइकॉन बन चुका है, पर हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये कलर मैच नहीं है। तो कलर मैच करने के लिए आप सभी को सबसे पहले आप सभी को देखिए, तो आप सभी को कलर मैच करने के लिए देखिए ये देखिए कलर मैच हो चुका है। देखिए ये कलर मैच हो चुका है और ये कलर मैच नहीं हुआ। तो हमें ये कलर मैच नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें इस लेयर को नीचे लाकर वो कलर को हटा देना है, क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रहा ना। तो हमें वो कलर को, ये जो कलर है ये कलर, तो उस लेयर के नीचे से लेयर को हमें यहाँ पर लाना है। तो देख सकते हैं मैंने कैसे किया। तो हमारा एक कलर हो चुका है, तब हमारा एक प्लस ये देखिए हमारा प्लस बन चुका है। देखिए अब हमारा लास्ट का, तो मैंने कैसे किया देखिए। अब हमारे पास ये कलर इस साइड में है, ये साइड में है। हमें सिर्फ इस लेयर को नीचे लाना है, इसको ऊपर, और हमारा पूरा प्लस आइकॉन बन चुका है, देख सकते हैं। तो ऐसा पहले सीखो आप, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप सभी को एक कॉर्नर पीस भरना सिखा दूंगा। तो बस इस वीडियो में
यहीं पर बता दूंगा। तो इस वीडियो में आप सभी के वॉच करने के लिए आप सभी का थैंक यू। तो देखिए हमने ये पूरा कर लिया है।